ये है हमारे पास Realme C11। तो गाइस सबसे पहले आपका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है, अगर आप मोबाइल डेटा से करोगे तो भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में दोस्तों जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आ जाता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट लॉग, यानी कि इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट साइज 91 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों एक बार डाउनलोड हो जाए फिर इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सॉफ्टवेयर जो डाउनलोड हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग एप्स, यानी कि ये प्रोसेस भी अपने आप ही खत्म होती है, आपको कुछ भी नहीं करना होता है।